ये कहानी है संजय की। संजय इंडियन रेलवेज का चौकस पहरेदार यानी गेटमैन है। मेरा नाम संजय है। रेलवे में मुझे 10 साल हो चुके हैं सर्विस करते हुए। 2 साल मैं गैंगमैन था और 8 साल से मैं गेटमैन का काम कर रहा हूँ। रेलगाड़ी और ट्रैक पार करने वाला ट्रैफिक, इन सब की सुरक्षा गेटमैन की जिम्मेदारी है। इस काम के लिए एकाग्रता तो चाहिए ही, पर साथ में सहनशीलता भी बहुत जरूरी है। गेटमैन को हमेशा सतर्क और तैयार रहना पड़ता है। उन्हें कभी भी स्टेशन मास्टर से फोन आ सकता है या फिर क्रॉसिंग पर ट्रेन आ सकती है। गेटमैन की मेन ड्यूटी है सेफ्टी की ड्यूटी। हमें पब्लिक की सेफ्टी भी करनी है और ट्रैफिक की सेफ्टी भी करनी है और रेल की सेफ्टी भी करनी है। यानी हमारी ना तो पब्लिक परेशान हो ना हमारी रेल डिस्टर्ब हो, हमें दोनों काम देखने पड़ते हैं। संजय रोज सवेरे 6 बजे अपने कैबिन पर पहुंच जाता है। गेट खोलने और बंद करने के अलावा संजय को सारे सिग्नल्स की जांच करनी पड़ती है। गेट बंद होने तक ट्रेन को पार होने का सिग्नल नहीं मिलता और इसके लिए कभी कभार ट्रेन लेट भी हो जाती है। गेटमैन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ट्रेन बिना किसी विलंब के क्रॉसिंग पार करे और जो लोग क्रॉसिंग पर खड़े हैं वे सुरक्षित क्रॉसिंग पार करें। गेटमैन को ड्यूटी के दौरान तनाव का सामना भी करना पड़ता है। कई बार गेट बंद होने के बाद ट्रेन को आने में देर हो जाती है, तब क्रॉसिंग पर खड़े लोग गेट खोलने के लिए गेटमैन पर दबाव डालते हैं, लेकिन गेटमैन को सहनशीलता से उनकी मांग को नजरअंदाज करना होता है क्योंकि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। गेट चाहे थोड़ी देर से खुले, पर गेटमैन यही चाहता है कि उसकी निगरानी में कभी कोई दुर्घटना ना हो। हमें काम के बारे में सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि हमारा एक हमें पर्सनल केबिन मिला हुआ है और एक स्टेशन मास्टर से हमारी फ़ोन पर डायरेक्ट बात होती है, तो कोई हमारा मिलने जुलने वाला भी अगर निकल आसपास मिल जाए तो देखता है हाँ कहीं अच्छी जगह ये ड्यूटी कर रहा है। फाइनल मकसद मेरा गार्ड बनने का है और मैं चाहूँगा आगे मेरे बच्चे भी रेलवे में ही सर्विस करें। रेलगाड़ियां रेलवे क्रॉसिंग चंद मिनटों में पार कर जाती हैं, पर हर सुरक्षित क्रॉसिंग की जिम्मेदारी गेटमैन की होती है। ये हैं भारतीय रेल के पहरेदार। रेलवे के इस पहरेदार को हमारा सलाम। मैं हूँ गेटमैन, मैं हूँ भारतीय रेलवे।